दोस्तों नमस्कार। आज बता दें कि जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री के विवादित बयान पर पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, हो हल्ला मचा हुआ है। जो है मछली शहर में भारतीय युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन किया गया, तमाम मीडियाकर्मी लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि पूरे विश्व में हर जगह जो है इस मुद्दे को लेकर के बहस छिड़ी हुई है और लोगों का कहना है कि पाकिस्तान विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले, शरण देने वाले पाकिस्तान को, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये जो बयान आया है वास्तव में अच्छा नहीं है। और सबसे बड़े मजे की बात है, भारत के तमाम संगठन के लोग, बहुत से बड़े बड़े दिग्गज लोग चुप हैं। परसों अभी बोलना चाहिए, बैठक चल रही थी जिसमें हमारे विदेश मंत्री जी उपस्थित थे और यहाँ वहाँ पर पाकिस्तान ने कश्मीर का इशू उठाया था, बता दें, जिस पर हमारे विदेश मंत्री ने बड़े स्पष्ट तरीके से पाकिस्तान को लताड़ लगाई। ऐसा कोई देश जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी सरगना रहा हो, जिसको हम लादेन के नाम से जानते हैं, ऐसे किसी देश को बोलने का, उपदेश देने का कोई हक नहीं जो लादेन को शरण देता हो और पड़ोस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाली सरकार से संसद भवन पे आतंकवादी हमला करती हो, ऐसे किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों पर उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा उपदेश देने से उसे पा जाए चैनल पे आप जो इतनी बड़ी लताड़ के बाद देख रहे हैं, वहाँ का जो विदेश मंत्री है जरदारी, जो भुट्टो जरदारी का पुत्र है और भुट्टो का लड़का है, जो राजवंश से आता है, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग राजवंश से आते हैं, अक्सर करके उनकी भी भाषा वही होती है जो आज बिलावल भुट्टो ने बोला है। मैं आपके माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, देश की बहुत बड़ी तथाकथित राष्ट्रवादी, अपने आप को कहने वाली पार्टी कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जो राजवंशी पार्टी है जिसके शहजादे आज पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या उन्हें इस बात की से आपत्ति विपत्ति नहीं है, क्या वो उनकी भाषा जो बिलावल की, बोलिए भारत माता की जय। वंदना जी आप क्या कहना देश का अपमान हुआ है, इसी तरह पूरा चलता रहेगा जब तक माफी नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान हो उसमें, पाकिस्तान हो।